गजा की पट्टी से इसराइल पर अचानक 7,000 रॉकेट हमले किए गए, जिसके नतीजे में कम अज कम 22 इसराइली हलाक, 500 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए और 35 अफराद को यरगमाल बना दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास के अस्करी विंग के कमांडर मोहम्मद अल ज़ैफ अबुल खालिद की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि ऑपरेशन तूफानुल अक्सा में इसराइल पर मिजाइल हमले किए जा रहे हैं। हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद के कारोबार और प्रॉपर्टी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया। सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद अगर 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़कर नहीं जाते तो इस सूरत में इनके कारोबार और जायदाद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आज मुल्क में मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों खुसूसन अफगान बाशिंदों के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है या जिसका आगाज किया गया है, इसके मिस्बत असरात नजर आ रहे हैं और मुस्तकबिल में मजीद नजर आएंगे। और जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ दे दिया। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 428 रन बनाए और श्रीलंका को फतह के लिए 429 रन की जरूरत है। दिल्ली क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले वर्ल्ड कप के चौथे मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाजों ने मार मार कर श्रीलंकन बॉलर्स का बरकस निकाल दिया।